तो ये कुछ मैचिंग ज्वेलरी मैंने निकाली है, स्कार्फ निकाल लिए हैं मैचिंग के, ये कुछ इयर रिंग्स मुझे मैचिंग के मिले थे मैंने वो निकाल लिए, वो मेकअप हमारा निकल चुका है। सो अस्सलामुअलैकुम गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं बहुत टाइम बाद व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ बीच में, क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी, मेरे एग्जाम्स आ गए थे, अब मेरा सेमेस्टर ब्रेक आया है, तो मैंने कहा अब व्लॉग मैं शुरू करूँगी। आई नो आप लोगों ने मुझे मिस किया। तो ये रही हमारी व्लॉगर, ये अभी आई है स्कूल से, और अब हम क्या करने वाले हैं, अब सब तैयारियां हो चुकी हैं, मतलब ऑलमोस्ट अभी हम खाना लगाएंगे। नहीं, तैयारी किस चीज़ की है? आज हमारे दोस्त की है ब्राइडल शावर, तो हम उसमें जाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों से के लिए निकाली हैं, इन्हें भी आता नहीं। पूरा व्लॉग देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा ब्राइडल शावर में इंशाल्लाह। तो बस तैयारियाँ हो चुकी हैं, अब हम जल्दी आके नहाएंगे, उसके बाद हमें खाना भी खाना है, फिर नमाजी पढ़नी, बहुत सारे काम है, और फिर तैयार होकर निकलना भी है। बाय। स्कूल से आने के बाद हम तो घर के काम जरूरी, ये हम बना रहे हैं सिंगापुरी राइस का सॉस, और आज हमारी आई है ये, हेलो करो, अच्छा हेलो करो जी, अच्छा भाई कर लो हेलो, अच्छा ऐसे हाथ हिला दो, ये भाग गई डर के, कहाँ गई अरीशा, आओ इधर आओ अरीशा, ऐसे कर दो। ये मेरी भतीजी आई हुई आज, और ये छुप गई डर के मारे, और इतने में मेरे लहसुन जल गए। शिट, शिट। हाँ जी, तो हम दोबारा आ गए, वो लहसुन तो जल गए, अब दूसरे लहसुन लेंगे। क्या आवाज़ आई है, वाह वाह, और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा करी पत्ता, और जब सब हम इसको जल्दी जल्दी ऐसे करेंगे ताकि ये जले नहीं, नहीं तो जल गया, सत्यानाश हो गया उसका। और ये बच्ची फिर आ गई यहाँ पे, इसकी वजह से जल गए मेरे लहसुन। अरीशा कहाँ चल रही हो तुम, इधर आओ, इधर देखो अरीशा, हाथ मिला लो, खाना खा लिया, कहाँ जा रही हो, ओके बाय। टाटा, ये मेरे सिंगापुरी राइस जो कि रेडी हो चुके हैं, जो हमने कल रात को बनाए थे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान की गैस ना होने की वजह से हमें आज खाने पड़ रहे हैं, कल हमने बाहर से खाना मंगवा लिया था, फिर एमरजेंसी डिनर हुआ था, और ये इसका सॉस जो मैंने अभी आके रेडी किया है। ओके, अब हम इसको बाहर लगाएंगे टेबल पे, फिर हम खाना खाएंगे, इसको बंद कर दो, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। आप लोग मुझे बताएं, इस पहले हुए बेड पे कोई कैसे सो सकता है, हमने खाना वाना खा लिया दोपहर का, अब हम सोने आए हैं, तो यहाँ पर बेड देखो कैसे फैलाया हुआ है, जैसे हमारी किसी की शादी हो रही है। समेट दो भाई, पता है स्कूल से आई है बहन, नहीं लगी पड़ी मूवी देखने में। खैर, हम इसी पे सो जाएंगे गाइस, आपसे मिलते हैं। तो आप लोग सोचोगे कमरा चेंज हो गया है, अभी तो मैं वहाँ सो रही थी, अब मैं यहाँ आ गई, वो इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ था, वो समेट नहीं सकती थी मैं, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई हूँ अभी स्कूल से आई हूँ, और दूसरा हबीबा जो वो देख रही थी कोरियन ड्रामा कोई पता नहीं कौन सा, मेरा मुँह कितना रेड आ रहा है ना, वाह। खैर, तो बस अब मैं सोने लगी हूँ, खाना वाना से फारिग हो चुके हैं, अब हम उठेंगे शाम में, नमाज वमाज पढ़ के नाखून देखो, बस नमाज वमाज पढ़ेंगे बस, फिर उसके बाद तैयारी करेंगे, तभी सो जाएं, दोपहर के खाने के बाद सोना सुन्नत होता है वैसे भी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हम लोगों ने जूते पहन लिए, और ये देखें ये रेडी हो चुकी हैं माशाल्लाह, और ये रहे हम दोनों ने जो है वो लॉन्ग फ्रॉक्स पहनी है विद शूज़, क्योंकि ये अच्छा लग रहा था, और शूज़ बहुत कम्फर्टेबल होते हैं तो शूज़ ही पहनने चाहिए। तो चलें, बहुत लेट हो गया है, सबके फ़ोन आ रहे हैं, कमरा ऐसे ही पड़ा रहेगा, आगे समेट लेंगे। ओके, रेडी हो गए हैं, और हम भाग भाग के जा रहे हैं, क्योंकि जो है हम बहुत लेट हो गए हैं, हमारी सारी दोस्तें आ चुकी हैं, और अब हमें यहाँ पे रिक्शे का वेट करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई रिक्शा नज़र नहीं आ रहा, देख सकते हैं आप लोग, टिंग 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 टिंग, चलो भाई रिक्शे को ढूंढो, ढूंढेंगे और कहाँ है रिक्शा, और हमें रिक्शा मिला नहीं, तो हम भाग भाग के मेन रोड की तरफ जा रहे हैं। इन ड्राइवर कर लेती ना, नहीं नहीं ड्राइवर, इन ड्राइवर नहीं ले सकते हम, क्योंकि मेन रोड पर बहुत ट्रैफिक है, और अभी को गुस्सा आ रहा है, वो बहुत महंगे में लेके जाएगा। नहीं नहीं, बस चलते हैं, देखते हैं नेट सी वाली, और हमें बीच रोड में ही मिल गया रिक्शा, फाइनली हमें हमारी राइड मिल चुकी है, और अब हम जा रहे हैं। मेरे बाल खराब हो गए। ओह शिट, चलो यार।
ये जा रही है अब एवन को बुलाने के लिए। जल्दी आ जाओ, कब से वेट कर रहे, नीचे खड़ोगे। जगह नहीं है, मोटी भैंसिया गोद में बैठी हुई अपनी बेस्ट फ्रेंड के, बच्चा इधर है। कहा था मैंने कि करीम कर लेना गाड़ी, मुंह दिखा दो, पर सबने ऑलरेडी देखा हुआ है। सबको इंतज़ार होता है दावत में, वो चीज़ आ चुकी है। हम लोग खाना लेके बैठ गए हैं। ये बदतमीज़ी कर रही, देखें पिज़्ज़ा है और पास्ता है, बिरयानी है और एमन है, और ये इनका जी उदम करके सोने की कोशिश। और हम दोनों सबसे अलग यहाँ बैठ के डिनर कर रहे हैं, इसके बाद हम डांस करेंगे। हम टांग तोड़ रहे हैं। हाँ, चिकन नाच छमिया, नाचे की छमिया नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। मच नीडेड चाय, थक गई आप, चाय पीते हैं फिर घर चलते हैं। कहाँ? अच्छा, एमन क्या जाना है? गाइस आते हुए सिर्फ एक लड़की गोद में बैठी थी, यहाँ इनकी गोद में, अब देखें दो दो। ये नया इजाफा हो गया है, मतलब इतने गरीब है, हम एक गाड़ी नहीं कर सकते कहीं जाने के लिए, और मेरी गोद में ये बैठ गए गुगी। माशाल्लाह, एक गाड़ी से 50। हम घर आ गए हैं गाइस, अभी इनको ड्रॉप किया है, इनको ड्रॉप किया है। गूगी वहाँ गटर में घुस रहा है। ओके गाइस, बाय बाय गाइस, बाय। यहाँ से बेबी मेरे कपड़े दे दो जल्दी से, फिर मैं जाऊँ। चुप करो, इसमें नहीं बताना था। जब हम आ चुके हैं घर वापस, इस वक्त बज रहे हैं रात के 12:15। फाइनली बैक टू होम। ये देखें थैला लेकर आई, छुपा लिया ऐसे थैला। ये हमारा इंतज़ार कर रहे थे, ये मम्मी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हम घर आ चुके हैं और अब हम यहीं करते हैं अपनी व्लॉग का एंड। आज का दिन बहुत हेक्टिक था लेकिन बहुत मज़ा आया ब्राइडल शावर में। फाइनली दिन ख़त्म हो गया, अब बज चुके हैं ऑलमोस्ट 11:30-12 के बीच में टाइम हो रहा है। अब हम केक लेकर आएंगे, 12 बजे हमारे भाई का बर्थडे, हम वो सेलिब्रेट करेंगे, उसके बाद व्लॉग एडिट करेंगे और फिर हम सो जाएंगे क्योंकि सुबह बहुत सारे काम है, कल एक जगह जाना है शादी में। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से वफा के सारे फंक्शन स्टार्ट हैं, हल्दी मेहंदी ढोलकी वगैरह, तो उसके व्लॉग्स भी इंजॉय करिएगा इंशाल्लाह ताला, वो भी बनाएंगे। अभी के लिए हम एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, प्लीज 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 प्लीज। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। मेकअप के बाद का लुक, और यहाँ पे हम लोग याया साहब की थोड़ी सी बर्थडे प्लान कर रही थी, वो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी दिखाती हूँ आप लोगों को एक काटो। ये आप क्या निकाल रहे हैं याया साहब? हैप्पी बर्थडे बॉय। ये देखो, ये अपने पास से इन्होंने लेटर निकाला। ओह शिट, अपनी बर्थडे पे खुद ही मोमबत्तियाँ लगा रहे। हमारा प्लान तो था कि हम सिगरेटें लगाएंगे, लेकिन वो हमें अम्मी का थोड़ा लिहाज हो गया तो हमने नहीं मंगाई, मोमबत्ती ही ठीक है, जलती तो ये भी है। यार तुम बड़े स्लो हो वैसे यार। बर्थडे आया, नाचो ये गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू।